हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आज के एक और नई वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीजीपे के बारे में। बहुत से बी अली भाइयों के क्वेश्चन थे कि उनके डीजीपे के अंदर जो है ट्रांसफर और जो डिपॉजिट का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, उसका रीज़न क्या है, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। और कैसे ये आएगा ऑप्शन जो ट्रांसफर का है, ताकि आप अच्छी खासी कमीशन अर्न कर सकें। और डिसेबल क्यों किया गया, क्यों आपके डीजीपे से ये ऑप्शन हटाया गया, जबकि पहले आपके डीजीपे पे ये ऑप्शन डिपॉजिट का और ट्रांसफर का था। और इसके अलावा आज की वीडियो में आप जो ऑफिशियली सीएससी की तरफ से जो रिकॉर्डिंग है डीजीपे के बारे में वो क्या कहते हैं इस मुद्दे पे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और वो रिकॉर्डिंग भी आप इस वीडियो में सुनेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो न्यू वीडियोस आने वाली हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इससे पहले कि हम ऑडियो को सुने, मैं आपको बता देता हूं कि सीएससी की तरफ से कुछ चिर पहले, कुछ महीने पहले जो डीजीपे में ट्रांसफर और जो डिपॉजिट का ऑप्शन है वो डाला गया था, लेकिन डीजीपे की तरफ से वो ऑप्शन हटा लिया गया, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आ रही थी। और कई बार क्या होता था, जो हमें सुनने में भी आया है कि पहले कई बार क्या होता था कि जैसे ट्रांसफर करते थे सीएससी आईडी से हम दूसरे के अकाउंट में या डिपॉजिट करते थे, तो होता क्या था कि आपके वॉलेट से ना कट के वो किसी तरीके से कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता था, लेकिन वो आपके नहीं करता था, सीएससी के किसी सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से सीएससी के किसी हिसाब से कट जाता था वो पैसा। लेकिन जो सिस्टम की वजह से, फेलियर की वजह से वो जो ऑप्शन थे वो हटा लिए गए। और इसकी जो जानकारी है वो भी हम आपको ऑडियो में सुनाएंगे, और ये कैसे पता लगा उसके बारे में भी इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग है जो वो आप सुन लीजिए। डेस्क सीएससी हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग जी। जी हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ जी, अपना नाम और शेर बताइए। सर, विजय बात कर रहा हूँ जी। तो सर, मैंने एक जानकारी लेनी थी डीजीपे के बारे में, कि जैसे डीजीपे यूज कर रहे हैं ना मनी विड्रॉ के बारे लिए, है ना जी, सीएससी की तरफ से जो डीजीपे है उसके द्वारा से। अभी अभी वो सर्विस जो है बंद करी हुई है, रोकी हुई है, ठीक है जी। अभी फिर विड्रॉ चल रहा है। ओके, तो सर जो ऑप्शन ही आ रहा है वो मतलब बंद की हुई है, इसीलिए नहीं आ रहा है। नहीं, अभी बंद करी हुई है, उसको आप भूल जाइए। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है आप इधर कॉल करिए हमें, ठीक है जी। ठीक है। तो हाँ जी, सर या ये मतलब एमपीएम आगे कस्टमर। आएगी सर्विस, या मतलब बैंक भी इसी के थ्रू ही हाँ जी, करना हाँ जी, हाँ जी। पहले 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 थी, पहले थी, फिर कुछ रीजन से जिसके चक्कर में इनको हटा दिया था। अभी होपफुली विदिन मंथ या 2 मंथ के अंदर भी एड ऑन हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक हाँ है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक ओके जी, ओके जी। यू। प्लीज रेडियो को। तो जैसे कि आपने सुना, और बहुत से बीएलई भाइयों का ये क्वेश्चन भी था कि उनके जो डीजीपे में जो ट्रांसफर और उसके अलावा डिपॉजिट का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जब तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी बीएलई भी जो भाई हैं उनके डीजीपे में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन है जो ट्रांसफर का और जो डिपॉजिट का वो हटा दिया गया है। उसके अलावा जैसे कि आपने सुना भी है कि ये जो ऑप्शन है ये दोबारा से लाया जाएगा सीएससी में 1 या 2 महीने के बाद, यानी कि अगर बात करें तो जुलाई या अगस्त तक ये ऑप्शन दोबारा से आपको शायद दिखने को मिले। और उसमें क्या कमीशन होगा, कमीशन में क्या बदलाव किए जाएंगे, उसके बारे में भी हम जब ये ऑप्शन आएगा उस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।